नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर भारत की तरफ से लगाए जाने वाले टैरिफ को लेकर भारत को धमकी दी है। उन्होंने खास तौर पर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर भारत की तरफ लगाए जाने वाले टैरिफ का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में उनकी जीत होती है तो भारतीय उत्पादों पर भी अमेरिका उच्च टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने भारत को जीएसपी से यह आरोप लगाते हुए हटा दिया था कि भारत अमेरिका को अपने बाजारों तक न्याय संगत और उचित पहुंच नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोमवार को पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब तक याचिकाकर्ताओं की ओर से इस प्रक्रिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई पुख्ता आधार सामने नहीं लाया जाता, इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जातीय जनगणना की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद करीब 6.5% कोरोना मरीजों की मौत हुई। संक्रमण की चपेट में आने के बाद जिन लोगों को गंभीर हालत में भर्ती किया गया उनमें संक्रमण का असर लंबे समय तक देखने को मिला। अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक वर्ष तक पुरुष रोगियों में सबसे ज्यादा जान का जोखिम रहा। हालांकि राहत यह भी है कि अस्पताल से घर जाने के बाद जिन लोगों ने कोरोना रोधी टीका की खुराक ली उनमें 60% बचाव भी हुआ। दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के नए स्वरूपों का पता चलने के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान केंद्र ने राज्यों से वायरस के नमूनों को संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण बढ़ाने को कहा। केंद्र ने राज्यों से नए वेरिएंट पर करीबी नजर रखने को भी कहा है। आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा ने कहा है कि देश में कोविड की स्थिति स्थिर बनी हुई है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां तैयार है, लेकिन राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और श्वसन संक्रमण के मामलों पर नजर रखनी होगी। उन्होंने जीनोम सिक्वेंसिंग में तेजी लाने और नए स्वरूपों पर कड़ी नजर रखते हुए कोरोना की जांच के लिए पर्याप्त नमूने भेजने पर भी जोर दिया है। बॉलीवुड और साउथ एक्टर प्रकाश राज आए दिन अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में प्रकाश राज ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसके बाद उनकी परेशानी बढ़ गई है। लोगों ने उन्हें देशद्रोही कहना शुरू कर दिया। हालांकि उस ट्वीट पर अब उन्होंने सफाई पेश करते हुए एक और ट्वीट किया है। एक्टर ने कार्टून वाले ट्वीट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, नफरत को सिर्फ नफरत ही नजर आती है। मैं आर्मस्ट्रांग के समय एक चुटकुले का जिक्र कर रहा था, हमारे केरल चायवाला का जश्न मना रहा था, ट्रोल्स ने कौन सा चायवाला देखा। अगर आपको कोई मजाक समझ नहीं आया तो मजाक आप पर है, बड़े हो जाओ। प्रकाश राज ने एक चाय वाले का कार्टून शेयर किया था जो देखने में पूर्व इसरो के प्रमुख के सिवान का था। देशों के 15वें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिलडा मफोसा के निमंत्रण पर पीएम की यात्रा हो रही है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यह बैठक 22 से 24 अगस्त तक आयोजित हो रही है। पीएम मोदी का यह तीसरा दक्षिण अफ्रीका दौरा है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और दक्षिण अफ्रीका अपने कूटनीतिक संबंधों की तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के एक मंत्री ने ऐसा विवादित बयान दे डाला है जिसको लेकर अचानक वो सुर्खियों में आ चुके हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में दिए गए भाषण में मछली खाने के फायदे बताते हुए कहा, मछली खाने की वजह से बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की आंखें और त्वचा खूबसूरत दिखती है। बयान मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित ने राज्य के धुले जिले के अंतरुली में आयोजित कार्यक्रम में मछुआरों को मछली खाने के फायदे गिनाते हुए दिया। सोमवार का दिन मुकेश अंबानी के लिए काफी खास था। उनकी नई नवेली कंपनी जियो फाइनेंशियल को शेयर बाजार में डेब्यू हुआ। बाजार में लिस्टिंग भी अनुमान के अनुसार हुई लेकिन अंजाम अच्छा नहीं हुआ जिसकी वजह से मुकेश अंबानी के नेटवर्थ को काफी नुकसान हुआ है। दूसरी ओर हमवतन कारोबारी गौतम अडानी ने चीन और अमेरिकी अरबपतियों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 20 सबसे अमीर अरबपतियों में एंट्री कर ली। सबसे ज्यादा दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलोन मस्क को होता हुआ दिखाई दिया। उनकी दौलत में 11.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। वास्तव में टेस्ला के शेयरों में तेजी की वजह से उनकी दौलत बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के हिमालयी क्षेत्रों के लिए वहन क्षमता और मास्टर प्लान के आकलन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर विचार किया है। जहां अनियोजित विकास ने हाल के दिनों में तबाही मचाई है और पीठ ने इसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा करार दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले भारतीय हिमालयी क्षेत्र की वहन क्षमता पर पैनल गठन कर सोमवार को सुनवाई के दौरान विचार किया। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों खूब चर्चा में है। वजह है उनका वो वीडियो जिसमें वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो खूब वायरल हुआ। योगी आदित्यनाथ उम्र से उनसे छोटे हैं, इसे लेकर अलग अलग तरह की बातें हुई। अब मामले पर सफाई देते हुए रजनीकांत ने बताया कि उन्हें योगी और सन्यासी लोगों के पैर छूने की आदत है, भले ही वे उससे छोटे क्यों न हों।
हरियाणा के नूह मेवात में हुई हिंसा के बाद पुलिस तेजी से धरपकड़ अभियान चला रही है। इसी बीच मंगलवार को नूह हिंसा के एक इनामी बदमाश वसीम की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में वसीम के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वसीम 25,000 रुपए का इनाम बदमाश है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक वसीम के साथ मुठभेड़ तावतू में स्थित अरावली पहाड़ के खंडर में हुई। पुलिस जब उसे पकड़ने गई तो उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग होने के बाद वसीम के पैर में गोलियां लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वसीम के पास से एक अवैध देसी कट्टा और 5 राउंड भी बरामद किए गए हैं। सामने से ISI एजेंट की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े एजेंटों और आतंकी संगठनों के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की जांच में पता चला है कि ISI एजेंट और पाकिस्तान के आतंकी संगठन भारत ही नहीं पड़ोसी मुस्लिम देश बांग्लादेश अफगानिस्तान बलूचिस्तान आदि के भोले भाले लोगों को भी अपनी चुंगल में फंसा कर भारत देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। जांच में सामने आया है कि दूसरे देशों के लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद कहा जाता है कि वह भी अपने साथ भारत के लोगों को जोड़े तथा भारत को इस्लाम राष्ट्र घोषित कराने में सहयोग करे। राज्य में अब तक की सबसे बड़ी नशीली दवाओं की बरामदगी में से एक में त्रिपुरा पुलिस ने सोमवार को 10 करोड़ रुपए मूल्य की 1.3 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और इस संबंध में 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तरी त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक भानुपत चक्रवर्ती ने कहा है कि साबुन के कई डिब्बों में मौजूद मादक पदार्थ टाटा सुमो वाहन में ले जाया जा रहा था, जो दक्षिणी असम से आ रहा था। चक्रवर्ती ने IANS को बताया, गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमने उत्तरी त्रिपुरा जिले के चुराईबाड़ी में एक चौकी बनाई और वाहन को रोका। 3 ड्रग ड्रग्स के साथ वाहन में यात्रा कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत को विकसित देश बनाने के लिए भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाने को सलाह दिया है। सपा अध्यक्ष ने कहा, अभी कुछ दिनों पहले मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। वह लाल किले से संकल्प ले रहे थे कि हमारा भारत देश विकसित देश बन जाए, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाए। यहां आज मैं कुशवाहा मौर्य सैनी और शाक्य लोगों से कह सकता हूं कि जो लाल किले से विकसित देश बनाने की बात और संकल्प दोहरा रहे थे, वे केवल भगवान बुद्ध का रास्ता अपना ले तो भारत अपने आप विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा दिखाई देगा। जम्मू में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। सोमवार देर रात जम्मू के नगरोटा में IED बम मिला, इसे नष्ट कर दिया गया है। यह जानकारी SP राहुल चरक ने दी है। उन्होंने बताया कि हमें हाईवे के पास एक संदिग्ध सामान पड़े होने की सूचना मिली। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जांच में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस निकला, जिसे टीम ने नष्ट कर दिया है। आगे की जांच जारी है। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त 3 महिला न्यायाधीशों वाली समिति ने शीर्ष अदालत के समक्ष 3 रिपोर्ट पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों को फिर से जारी करने, मुआवजा योजना के उन्नयन की जरूरत पर जोर दिया गया है और इसके कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए डोमेन विशेषज्ञों की नियुक्ति की सिफारिश की है। CJI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुझाव के लिए इन रिपोर्टों को प्रसारित करने का आदेश दिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को कहा कि कुछ इलाकों को छोड़कर असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमाओं से जुड़े ज्यादातर विवादों को सुलझा लिया गया है। दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में बोडो जनजाति रहती है। अरुणाचल प्रदेश के बोडो के सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को समझना विषय पर यहां पहले इंटरैक्टिव सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा रेखा खींचना काम का अंत नहीं है। उन्होंने कहा, सीमा के दोनों ओर शांति और प्रगति जारी रहनी चाहिए। सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को सौहार्द और भाईचारे के साथ मिलकर काम करना होगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीते रविवार को कश्मीरी कर्मचारियों को आतंकवादी समर्थक करार देकर चुनिंदा तरीके से सेवा से बर्खास्त करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की आलोचना की। सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट में मुफ्ती ने लिखा, कश्मीरी कर्मचारियों को गलत तरीके से आतंकवादी और ISI समर्थक बताकर चुनिंदा तरीके से नौकरी से निकालना सामान्य बात हो गई है। सरकार द्वारा जज और जूरी की भूमिका निभाते हुए आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया जाता है। यहां गुंडागर्दी कश्मीरियों को डराकर समर्पण करने के लिए है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में एक आदिवासी निकाय ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में कुकी जो समुदायों को आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति की मांग करते हुए सोमवार को कांग पोकपी जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनिश्चितकालीन नाकाबंदी लगा दी। दी प्रिंट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी सदर हिल्स कांग पोकपी ने NH2 पर नाकाबंदी शुरू की, जो इम्फाल को नागालैंड के दीमापुर से जोड़ता है और NH37 जो इम्फाल को असम से सिलचर से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 17 वर्षीय एक मुस्लिम लड़के को पीट पीट कर मार डालने के आरोप में 4 महीने बाद 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लड़के के पिता द्वारा पुलिस द्वारा सीधे FIR दर्ज कराने में विफल रहने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर 17 अगस्त को बरेली के कैंट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। घटना के वक्त बरेली पुलिस को कहना था कि किशोर अरकरान अली की मौत एक दुर्घटना में हुई थी। पप्पू कुरैसी का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ उनके बेटे के साथ बर्बर तरीके से मारपीट की थी, बल्कि उसे 30,400 रुपए भी लूट लिए थे।
बिहार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटे के लोगों को सरकारी सेवा में पदोन्नति में भी आरक्षण देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। बिहार सरकार ने इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2019 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इस आदेश को भी करीब 4.25 साल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई साल यानी अगले साल 2024 में की जाएगी। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के गलत इस्तेमाल को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि इसके जरिए महिलाओं ने कानूनी आतंकवाद छेड़ रखा है। दरअसल यह धारा पति और उसके रिश्तेदारों की तरफ से महिला पर की गई क्रूरता को अपराध मानती है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस शुभेंदु सामंत ने कहा कि धारा 498 ए को महिलाओं के कल्याण के लिए लाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल झूठे मामले दर्ज कराने में हो रहा है। जज ने कहा, समाज से दहेज के प्रकोप को खत्म करने के लिए धारा 498 ए को लाया गया था, लेकिन कई मामलों में यह देखा गया है कि इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल कर कानूनी आतंकवाद छेड़ा रखा है। पाकिस्तानी मूल की कमर मोहसिन शेख फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया है कि कोविड-19 के कहर के कारण 3 साल बाद व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी को राखी बांधने जा रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खास तोहफा भी तैयार किया है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में शेख ने कहा है कि इस बार मैंने खुद राखी बनाई है। मैं पीएम मोदी को कृषि से जुड़ी किताब भी पढ़ने के लिए दूंगी, क्योंकि वह पढ़ने के बहुत शौकीन है। बीते 3 सालों से मैं कोविड-19 के कारण नहीं जा पा रही थी, लेकिन इस बार मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात करूंगी। कांग्रेस पार्टी ने एक फनी वीडियो शेयर कर बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। यह वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में बीजेपी के नेताओं से मिलते जुलते किरदारों को सोले के गब्बर सिंह और उसके गुर्गों के रूप में दर्शाया गया है। वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे बीजेपी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने परेशान है। हालांकि वीडियो में किसी भी राजनेता या दल का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कोई भी देखकर तुरंत बता सकता है कि कौन सा पात्र किस राजनेता की तरफ इशारा कर रहा है। कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान गई। अब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के स्टडी से सामने आया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी बहुत सारे लोगों की मौत बेहद कम समय में हो गई। इस स्टडी का कहना है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 1 साल के भीतर लगभग 6.5% मरीजों की मौत हुई, यानी 100 में से 6.5% लोग कोरोना से ठीक होने के 1 साल के भीतर ही मर गए। इनमें एक चीज और देखी गई है कि लगभग 73.3% लोग ऐसे थे जो एक या एक से ज्यादा बीमारियों से पीड़ित थे। 15वें ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हो रहा है। शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित विकास बैंक अक्टूबर तक अपना पहला भारतीय रुपया बांड जारी करने की योजना बना रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले एक संवाददाता सम्मेलन में व्लादिमीर काजवेकोव ने बताया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने पिछले सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला रैंड बांड जारी किया था और इसके सदस्य ब्राजील, रूस और संयुक्त अरब अमीरात में स्थानीय मुद्रा जारी करने पर विचार कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक जागरूकता अभियान चलाकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने और इसके खतरे से बचाव एवं सतर्कता के लिए विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक जरीज ताज ने एक सर्कुलर जारी किया है। ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत साउथ दिल्ली क्षेत्र में आने वाले सरकारी स्कूलों से होगी। इसके तहत कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड एवं अन्य ठगी से सतर्कता और सुरक्षित रहने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बुधवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों नेताओं की अहम बैठक होगी। बैठक में बिहार में चल रही कई सड़क परियोजनाओं को लेकर चर्चा हो सकती है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भी कई प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए हैं, जिन पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस को भागलपुर तक ले जाने की मांग पर भी चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि दितारगंज एलिवेटेड कॉरिडोर पर भी चर्चा होने की संभावना है। अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच आयोजित होने वाली परीक्षाओं को लेकर SSC के द्वारा तिथियां जारी कर दी गई है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर देखा जा सकता है। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार SSC परीक्षा 2023 25, 26 और 27 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। वहीं संयुक्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षा Tier 2 2 नवम्बर को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर 2023 Paper 2 की परीक्षा 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक परीक्षा Tier 2 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। भारत अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है। 23 अगस्त को शाम 6:04 बजे चंद्रयान 3 मून पर लैंड करेगा। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 के लैंडर को लैंड करने में कोई दिक्कत आती है या जगह नहीं मिलती है तो 27 अगस्त को लैंडिंग कराई जाएगी। इसरो अहमदाबाद के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा है कि 23 अगस्त को लैंडिंग से 2 घंटे पहले इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक फैसला लेंगे कि लैंडिंग कराई जानी है या फिर नहीं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के समय मदद करने की घोषणा की है। नासा के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी लैंडिंग के वक्त इसरो की मदद करेगा।
हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, धनंजय कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, नौशद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सड़कों की स्थिति कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।